परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मौका और दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं जहां भी आप इस परमेश्वर का वचन सुनते हो, खुदा इस वचन के साथ आपके जीवन में काम करें। आइए हम आज के विचार के लिए पवित्र बाइबल से एक आयत पढ़ेंगे। बाइबल का पहली किताब उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी रूप डौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तदा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया है। पवित्र बाइबल का शुरू लेकर आखिरी तक एक एक वचन परमेश्वर मनुष्य के साथ बात करते हैं। परमेश्वर का वचन एक आम किताब जैसे पढ़ने से उसके अंदर से परमेश्वर की वाणी हम समझ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का आत्मा से लिखा हुआ वचन परमेश्वर की आत्मा की मदद से हमने समझना जरूरी है। मैं आज एक खास विषय के ऊपर वचन देने नहीं जा रहा। उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय से शुरू लेके परमेश्वर मनुष्य के साथ क्या बातें करते हैं, अगर हम आत्मिक आंखें खोलकर पढ़े बाइबल के अनेक आयतों से परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। पहली अध्याय सबसे पहली आयत, आदि में परमेश्वर। हर एक बात का स्टार्टिंग शुरुआत अगर परमेश्वर के साथ हो वो काम सफलता हो जाते हैं। और परमेश्वर को पीछे रखकर हम कोई भी जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल शुरू करते हैं आदि में परमेश्वर। हमारे जीवन का हर क्षेत्र में आदि में परमेश्वर होने चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर को जगह देना जरूरी है। ये पहली आयत अध्याय जो है उसमें अनेक पल पर मेरे साथ आपके साथ परमेश्वर का वाणी है। उसका दूसरी आयत लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। सही बात खोल कर बताया, छिपाया नहीं हुई बात। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। कुछ लोग सोचेंगे यह परमेश्वर का वचन है तो यह नेगेटिव बात क्यों लिखा है। यही परमेश्वर का वचन का खासियत है, परमेश्वर के वचन कोई छिपाता नहीं है। इसलिए हम भी जब परमेश्वर का पास जाते हैं हमारे जीवन में खोल कर बोलना चाहिए। हम बार पढ़ा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई हालत है बेडौल और सुनसान की अनुभव में अगर हमारे जीवन में है, पहली बात बाइबल कहते हैं जैसे बाइबल खोल कर बताया वैसे हम भी परमेश्वर का सन्दर्भ में खोल कर बोलना चाहिए। मेरे जीवन में क्या हालत है, मेरे जीवन का क्या हाल है, मेरे जीवन का क्या अवस्था है, ये बात को मैंने खोल कर बोलना है। उसका कारण
अगर परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव डालना हो, हम अपना हालत परमेश्वर को खोलकर बोलना बहुत जरूरी है। हमारी अवस्था को हमें अंगीकार करना पड़ेगा, क्या मेरा जीवन शून्य है, क्या मेरा जीवन बेडोल है, क्या मेरा जिंदगी सुनसान है। तो जब हम अपने जीवन को खोलकर परमेश्वर का हजूरी में रखेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव डाल सकता है। ईश्वर से क्या क्रूस पर देखिए, एक डाकू अब वहां खड़ा है, एक दोनों साइड में एक एक डाकू, उसमें से एक डाकू जो है ईश मसीह के ऊपर दोष लगा, तू भी बेचो हमको भी बेचाओ। लेकिन दूसरा जो डाकू है उन्होंने कहा हम तो मृत्यु का सजा का लायक है, लेकिन इन्होंने कोई गलती नहीं की, वो खुद माना मैं सजा का हकदार हूं। जब इन्होंने बोला है माना है मैं सजा का हकदार है, तब ईश मसीह ने बोला आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब हम अपने जीवन को स्वयं मानते हो, अपने गलती को मानते हो, छिपा कर नहीं रहते हो, तो जरूर परमेश्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। सकाई वृक्ष के ऊपर से नीचे आकर ईश मसीह को मिला, ईश मसीह ने बोला सकाई नीचे आता, तो सकाई नीचे आते आते सबसे पहले क्या बोला, मैंने धोखा से बहुत कुछ कमाया है, लेकिन मैंने उसको वापस दे के अपना हालत खोल कर बताया। तभी यीशु मसीह ने सकाई के घर में रहने के लिए तैयार हो गया, और यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में परमेश्वर का आशीष आया है। इसी तरह उजाड़ पुत्र, उन्होंने भी स्वयं माना है मेरे पापा के घर में कितना लोग खाना खाकर बाकी बजाते, मैं तो गलती के वजह से शूर का खाना खाते हैं। उन्होंने जाकर अपने बाप को बोला मुझे आपके नौकर का सामान रख लो। इसी तरह अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना है, हम अपना जीवन का हालत परमेश्वर को बोलना चाहिए। दोबारा मैं बोलना चाहते हैं, बेडोल हो, सुनसान हो, कोई भी अवस्था में आज इस समय आपकी जिंदगी हो, आराम से आपका दिल खोल कर मुंह खोल कर बोलिए आपका जिंदगी क्या हालत क्या है। आगे लिखा है तदा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर के आत्मा को आपका शून्य अवस्था में काम करने के लिए अनुमति दे दो। जब मृत्यु बेडोल और सुनसान था उन्होंने माना, उस समय परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। उसका मतलब हमारा बिगड़ा हुआ जिंदगी, हमारा खराब हो गया हुआ अवस्था पवित्र आत्मा के बिना चेंज नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें परमिशन देना है, हमें अनुमति देना है। गलातियों के पत्र में लिखा है आत्मा के अनुसार चल, पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में क्या ये करना है, हम पवित्र आत्मा को अनुमति देना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारे जिंदगी के कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। चाहे जितना भी बेडोल और सुनसान की अवस्था में अगर आपका जिंदगी पड़ा हो, आप इस समय पवित्र आत्मा को बोलो आप मेरे जीवन में कार्य करो। जरूर आज आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, आपका जीवन पवित्र आत्मा बदल कर सकता है। मैं आज आपको बोला मैं खास विषय के ऊपर नहीं बोल रहा है, उत्पत्ति का पगली अध्याय पगले आयत लेके बाइबल के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को क्या संदेश देते हैं,
उसमें से कुछ शब्द निकालकर मैं आपसे बात कर रहा है। पहले अध्याय तीसरी आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, बोलिए परमेश्वर ने कहा है। जब परमेश्वर का आज्ञा आप मानोगे तभी आपके जीवन में मिरेकल मौजा शुरू हो जाते हैं। इस अध्याय में, एक ही अध्याय में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आज्ञा दी, 7 बार लिखा है, 7 times। एक हफ्ता में कितना दिन हो? 7 दिन। उसका मतलब हर रोज परमेश्वर मेरे साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं, हर रोज परमेश्वर हमको आज्ञा देना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में बदलाव चाहते हो, आपका बेडोल और सुनसान के हालत चेंज होना चाहते हो, अगर आपके जीवन में बदलाव चाहते हो, पवित्र आत्मा को अनुमति दो, उतना भी नहीं जो परमेश्वर कहते हैं वो आपका जीवन में अंदर लीजिए। परमेश्वर की आज्ञा कहनी, परमेश्वर का आज्ञा मानना। अगर परमेश्वर का आज्ञा नहीं हुआ, परमेश्वर का आज्ञा हमने नहीं माना, हमेशा अंधेरा होगा। क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जब परमेश्वर का वचन जीवन में आ गया, अंधेरा दूर हो गया और उजियाला शुरू हो गया। आप अंधेरा के साथ गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, अंधेरा से डरने से कोई फायदा नहीं, आपको चाहिए उजियाला अंधेरे के बीच में आने दें। जब उजियाला अंधेरा के बीच में चमके तो अपने आप अंधेरा दूर हो जाएगा। आज मेरा आवाज सुनने वाला मेरा शिष्य भाइयों बहनों, आपका कान खोलकर ध्यान से सुनिए, रोज सुबह सुबह रोज आपका कान खोलकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक आदत बनाओ, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा, चाहे बाइबल खोलकर पढ़कर, चाहे और कोई किताब पढ़कर, परमेश्वर का वचन रोज आपके जीवन के अंदर आना चाहिए। जब परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आपका मालूम है शैतान यीशु मसीह को परीक्षा किया, जब परीक्षा किया यीशु मसीह को, शैतान ने बोला ये पत्थर को आप गूंदो, ये पत्थर क्या बन जाएगा? रोटी बन जाएगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा है? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, क्या बोला आगे? परमेश्वर का मुंह से जो वचन आते हैं उस वचन से भी अपना गुजारा करते हैं। ध्यान से सुनिए, आपका जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका दिल के अंदर, आपका दिमाग के अंदर परमेश्वर का वचन गुजरना चाहिए। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। अगर आज इस समय परमेश्वर का पवित्र वचन को आपके जीवन में जगा दे तो मैं पूरा आपको गारंटी देते हैं, आपके जिंदगी के कोई भी क्षेत्र में अगर अंधेरा का शक्ति कब्जा किया है, इस वचन के सामने, परमेश्वर का वचन के सामने वो अंधेरा दूर हो जाए। पहले 4 आयत पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरा से अलग किया है। उजियाला को अंधेरा से क्या किया है? अलग किया है। परमेश्वर अंधेरा और उजियाला को अलग अलग कर दिया है। यीशु मसीह ने लूका का इंजील
ग्यारह अध्याय उसका पंडित साहित्य में बताते हैं, आपके अंदर जो प्रकाश है, आपके अंदर जो ज्योति है, वो दोबारा अंधेरा में ना जाने दे, ये अपने संभालना पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थी 4:6 में लिखा है, अंधेरा से ज्योति चमके, और यीशु मसीह का चेहरा से, जो परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का वचन के द्वारा जब आपका जीवन के अंदर आ जाते हो, आपका हृदय ज्योति में हो जाते हैं, आपका जिंदगी क्या तमाम अंधेरा का अनुभव को जीवन से दूर करने के लिए परमेश्वर को अनुमति दो। अंधेरा और उजियाला इकट्ठा कहीं भी नहीं रह सकता है, इसलिए परमेश्वर को अनुमति दो, परमेश्वर की आत्मा काम करने दो, ताकि आपके जीवन का किसी भी क्षेत्र में अगर अंधेरा का स्वभाव, अंधेरा का अनुभव, वो आपके जीवन से दूर हो जाए। पहली अध्याय अलग इधर लिखा है, उजियाला को अंधेरा से क्या हुआ, अलग किया है। हमारे जीवन में एक अलग दाई बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है अंधेरा का काम क्या है, ज्योति का काम क्या है। जब वचन के द्वारा आपके अंदर उजियाला उदय हो जाता है, तो आपका जीवन में अंधेरा का कोई फल, अंधेरा का कोई काम हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। वहां 5 आयत लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधेरा को रात कहा है, तदा साई हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया है। वहां क्या किया है, परमेश्वर के नया शुरुआत कर, परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधेरा को रात कहा। एक दिन कैसे बनते हो, दिन रात जब निकल जाते हैं एक दिन निकलते हैं। देखिए इधर हम देखते हैं, जब अंधेरा दूर हो गया, उजियाला आ गया, नाम भी बदल गया। क्या नाम बदल गया, उजियाला को दिन और अंधेरा को रात कहा है। जब हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है, हमारे नाम चेंज हो जाते हैं। पहले याकूब को नाम चेंज किया, परमेश्वर ने क्या नाम दिया है, इस्राएल नाम दिया है। जब सच्चमुच परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में काम करते हैं, अंधेरा का स्वभाव हमारे जीवन से जब दूर हो जाते हैं, सचमुच जिंदगी के हर क्षेत्र में बदलावट हम अनुभव कर सकता है। तो लिखा है नाम बदलोगे, एक नया शुरुआत, एक नया दिन। क्या मतलब है उसका, उसका आत्मिक अर्थ क्या है, रोज हमारे जीवन में शुद्धिकरण का जरूरत है, रोज हमारे जीवन में पवित्रता ही परमेश्वर चाहते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 4:16 में लिखा है, चाहे हमारे बाहर की मनुष्य नाश हो जाए, लेकिन हमारे अंदर का मनुष्य रोज नया बनकर आगे बढ़ना जरूरी है। क्या मतलब है, डेली रोज हमारे जीवन में बदलाव चाहिए, रोज हमारे जीवन में पवित्रता चाहिए, रोज हमारे जीवन में शुद्धिकरण की जरूरत है। और हम आगे देखते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा क्या बात करते हैं। पहले अध्याय जब उसका 26 आयत पढ़ते हैं, पहले अध्याय उसका 26 आयत, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इधर देखते हैं पढ़िए 26 आयत, परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। बनाए कहां है, परमेश्वर चाहते हैं
मनुष्य को अपने समानता में बनाए, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हमको परमेश्वर का समानता में बनाने के लिए, हमको परमेश्वर का स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए, बनाने के लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर काम करते हैं। रोमियो का पत्री 8:28-29 आयत जब पढ़ते हैं वहां लिखा है उसके स्वरूप के साथ अनुरूप होना परमेश्वर चाहते हैं। हम गीत गाते हैं तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम करते हो। परमेश्वर क्या चाहते हो? हम परमेश्वर का समान बन जाते हैं। परमेश्वर शुरू से ही चाहते हैं। और कुमार में मनुष्य पाप करने से पहले परमेश्वर रोज मनुष्य के पास आते थे, एवं भाटिका में मनुष्य के साथ चलते फिरते थे। परमेश्वर का समान, परमेश्वर का जलाल मनुष्य के ऊपर था, लेकिन मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के कारण, मनुष्य परमेश्वर का हुक्म को तोड़ने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर क्या चाहते हो? मुझे और आपको परमेश्वर का समान बनाए। और उधर वचन में लिखा गया मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये वचन सुनने वाला बड़ा शिशु परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहते हैं, हम उनका समानता में बन जाए। 26 आयत में फिर लिखा है क्यों परमेश्वर ऐसे चाहते हैं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रगते हैं अधिकार करें। क्यों परमेश्वर अपना स्वरूप बनाना चाहते हैं? क्यों परमेश्वर अपना समानता में हमको बनाना चाहते हैं? ताकि परमेश्वर चाहते हैं हम सबको ऊपर राज करें, हमको एक अधिकार दे। और परमेश्वर ने कहा वो सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार करें, सारे सृष्टि के ऊपर इलाज करें। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं पाप गुणा हमारे ऊपर राज नहीं करना, हम पाप के ऊपर राज करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम स्वर्ग दूतों को भी न्याय करेगा। परमेश्वर ने हमको राज करने के लिए अधिकार दिया है। कभी भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम गुलाम बने, कभी भी हम परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम शैतान का गुलाम रहे, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं हम अंधेरे का गुलाम रहे, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं हम पाप का रोग का शराब का गुलाम रहे। परमेश्वर चाहते हैं आप इन तमाम बातों के ऊपर राज करें। इसलिए ईश्वर से ने पत्रोस का कहा जो तू पृथ्वी में बांटा जाएगा स्वर्ग में भी बांटा जाएगा, जो तू पृथ्वी में खोला जाएगा स्वर्ग में भी खोला जाएगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि परमेश्वर आपका पद भी क्यों ऊंचा करना चाहते हैं, परमेश्वर आपका पोजीशन को ऊंचा करना चाहते हैं। अभी आप जो चाहते हो वो नहीं आपका परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में। आपको एक अधिकार देके सारे सृष्टि के ऊपर राज करने का अधिकार परमेश्वर आपका हाथ में देना चाहते हैं। आज हाल क्या है? बीमारी आपको ऊपर राज कर रहा है, दुष्टात्मा आपको कंट्रोल कर रहा है, पाप आपको ऊपर राज कर रहा है, मृत्यु आपको ऊपर राज कर रहा है। आप ऐसे बातों से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर इसलिए परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार और परमेश्वर का समानता में आपको बनाया है ताकि आपके नीचे आए सब कुछ, आप सबको ऊपर राज करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं।
शुरू से खुदा ये चाहते थे, लेकिन हुआ क्या है? हमारे जीवन कैसे चेंज हुआ? हमारे पाप का कारण, मनुष्य के गुना की वजह से इंसान फेल हो गया। इंसान के ऊपर शैतान जेवंद पाया, लेकिन आज भी परमेश्वर चाहते हैं। आप रोमियों का पत्री 6:14 में लिखा है, आप पाप के ऊपर राज करें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं हम गुलाम रहें। दूसरा कोरिन्थी 2:14 में लिखा है, हर जगह में, हर बातों में, हर समय में यीशु मसीह के द्वारा जयवंत का उत्सव में परमेश्वर को ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? आपको जयवंत का उत्सव में शामिल करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, आज आपका हालत क्या है? क्या आप किसी के गुलाम बना है, या किसी स्वभाव का गुलाम, या नशा का गुलाम, या पाप का गुलाम, या अपने शराब का गुलाम? शायद आप सोचेगा ये पीढ़ी पीढ़ी से मेरे जीवन में राज कर रहा है। शायद आप सोचेगा मेरे बच्चे के ऊपर पीढ़ी पीढ़ी से शराब हो रहा है, पीढ़ी पीढ़ी से फलाना बीमारी हमारे ऊपर राज कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं आप बीमारी के ऊपर राज करें, आप दुष्टात्मा को ऊपर राज करें, आप शराब को ऊपर राज करें। अधिकार परमेश्वर आपको आपका हाथ में दिया हुआ है, लेकिन अधिकार कैसे खोया? मनुष्य के हाथ से, हमारे पाप की वजह से। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हर बातों में, हर समय में, हर जगह में हमको जयवंत दिलाने वाला परमेश्वर को, जहां वहां बैठा हो आपका हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमको जयवंत दिलाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपका सिर झुकाए, आपका अंग बंद है। आज आपका जीवन का हालत क्या है? कि आपका जीवन डडोर और सुनसान में पहुंच चुका है? कि आपका जीवन में अंधेरा छाया हुआ है? आपके लिए एक उम्मीद है, आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा है। आप इसलिए आज भी जीवित है, पवित्र आत्मा आपको संभाले हुआ है। ये जो वचन है परमेश्वर ने कहा आपका शरीर में छू रहा है, ये जो वचन है आपका आत्मा को छू रहा है, ये जो वचन है आपका प्राण को छू रहा है, आपका विचारधारा में, आपका भावनाओं में और आपका कल्पनाओं में। शैतान जगह जगह आपको गुलाम बनाया है। यीशु का नाम है, इस वचन के थोड़ा से मैं उस गुलाम को तोड़ देते हैं। यीशु का नाम है आजाद हो जाए, यीशु का नाम है फ्री हो जाए, यीशु का नाम है आपके आत्मा परमेश्वर के लिए फ्री हो जाए। आपका प्राण तमाम अंधेरा से, तमाम शराब से, तमाम बीमारी से, तमाम गलत स्वभाव से, तमाम गलत आदत से यीशु का नाम है अब आजाद हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ रहा है। कभी भी आप गड़ोल और सुनसान रहने नहीं देंगे परमेश्वर। शैतान चाहता है आपको नाश करें, शैतान चाहता है आपको लूट करें, शैतान चाहता है आपको बर्बाद करें। नो, पवित्र आत्मा अनुमति नहीं देंगे शैतान को। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का वचन आपके ऊपर मंडला रहा है। मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन बदल रहा है, आपका स्थिति बदल रहा है, आपका सिचुएशन बदल रहा है। परमेश्वर का इच्छा है आपका जीवन में, ताकि आप सबको ऊपर राज करें, आप सबको ऊपर राज करें। जो जो चीज आपको कंट्रोल करते इसी समय आप फ्री हो जाए, आप आजाद हो जाए। यीशु के नाम है मैं आज्ञा देते हैं, जो जो दबाव आपका ऊपर है, जो जो अंधेरा आपका ऊपर है, जो जो पेडोल की अवस्था आपका ऊपर है, जो जो सुनसान की अवस्था आपका परिवार के ऊपर है, आपका बच्चे के ऊपर है, परमेश्वर का
आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक इस वचन का सार आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र वचन के लिए, आपका पवित्र उपस्थिति के लिए, पूरा बाइबल खुदा आपका संदेश है हमारे लिए, वो हमारे लिए दिया हुआ है लिखित रूप में, तूने तेरा वचन हमारे हाथ में दिया है। हम मानता हूं हमारी जिंदगी प्रडोल और सुनसान में, लेकिन खुदा आदि में परमेश्वर हमारे जीवन का हर एक स्टार्टिंग पॉइंट परमेश्वर के साथ होने के लिए मदद कर लो। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडल आने के लिए, अनुमति देने के लिए हमको मदद करना है, तेरा अनुरूप तेरा स्वरूप होने के लिए हमारे जीवन में कार्य करे। जो कुछ अधिकार हमसे खोया है आपने वो वापस देने जा रहा है। इस वचन के साथ सबको आशीष देना और बरकत देना। प्रार्थना सुने, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं।